फेवरेट प्लेस है कौन? किचन है क्या भरे हरे भरे? हाय गाइस, पापा कल शो में ये टिप्स है कि बच्चों को रात में नहलाएं और सच में। तो हेलो फ्रेंड्स, और हमेशा हम किचन में ही दिखते हैं, है कि नहीं है? हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है कौन? किचन। मैं ना मार्केट से सब्जी लेके आई थी, धनिया और हरी सब्जी, ये शकरकंदी। तो मैंने इससे कुछ सोचा होगा, कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अच्छा सा प्लस ये तो इसको तो हमेशा धो काट के सुबह और गर्म पानी में धो के ताकि मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। मैं कभी मैं इसको फ्रिज में ऐसे नहीं रखती हूँ, है ना। इसको धो के हमें तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं इसे करती हूँ, गर्म पानी में धोती हूँ, उसके बाद मैं इसे काट के फ्रिज में रखती हूँ। और शकरकंदी तो खा रही तो भारी रहेगी, है ना। और इससे वैसे बहुत बहुत सारी डिशेज बनती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बनाऊंगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं इसे धोती हूँ, इसे धो के और रख दूंगी, क्योंकि जब समर्स होते हैं ना, समर्स में तो खराब हो जाती है, लेकिन विंटर्स में खराब नहीं होती, आप इसे बाहर रख सकते हैं। और एक वो भी है, टिप्स कह लीजिए, वैसे आपको पता भी होगा बिकॉज मम्मा करती थी। मम्मा क्या करती थी गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा ये खराब हो जाती है बाहर रख के ज़्यादा, तो मम्मी यह करती थी धो के काट के देन इसे पॉली बैग में पैक करके फिर फ्रिज में रखती थी। तो वो पता 3-4 दिन तक भी एकदम फ्रेश रहती थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश। फिलहाल तो मैं इसे धोती हूँ और धनिया भी होती हूँ। हरे 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 कितने सुंदर लगते हैं ना, हरे भरे हरे भरे। और मैंने भी इसे गर्म पानी से धोती हूँ, दोनों में गर्म पानी से धोती हूँ। देख रहे आपको देखिए गीजर और गीजर। और पता सच में मतलब पहले नहीं था ये, आधी ही हुआ था उसके बाद लगवाए थे गीजर, क्योंकि आधी होने के बाद ना उन्हें तो थोड़ा बच्चे बेबीज होने का थोड़ा ठंडे पानी में आप वो नहीं कर सकते, तो ठंडे पानी से ना उस तरह से पापा चले गए, तो फिर काम मुझे ही करना पड़ा था, तो ठंडे पानी से ना यहाँ नसों में दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने कहा था गीजर लगवाओ। थैंक्स टू मम्मा कि मम्मी ने कहा गीजर लगवाओ, और सच में बहुत फ़ायदा होता है गर्मी में, मतलब इतना चिल पानी है ना, बहुत ज़्यादा चिल पानी, तो गीजर है वो बहुत हेल्प हो जाती है। और सब्जी धोने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये हरी सब्जियाँ होंगी फूल फ्लावर। तो जब भी मैं इसमें हाथ धोती हूँ ना, तो मुझे मम्मी की याद आती है कि मम्मी ने लगवाया था, ये बोला था कि कल गीजर लगवाओ और उन्होंने लगवा दिया था। यहाँ पे सब्जी बनके तैयार है, वेरी वेरी हेल्थी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल। मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी। तो मैंने अंडे को सबसे पहले फ्राई किया हुआ है, यहाँ पे प्याज लिया हुआ है और यहाँ पे है टमाटर और छोटी सी हरी मिर्ची, बिकॉज बच्चे नहीं खाएंगे ज़्यादा मिर्ची। पर ले लिया है मैंने तेल और तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं जो फ्राई अंडे है ना इनमें हल्का सा ऊपरी जो उसकी लेयर होती है उसमें चाकू लगा रही हूँ, ताकि जब इसका पूरा मसाला बनेगा ताकि अंडों के अंदर अच्छे से चला जाए। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया, यहाँ पे डाला है मैंने हींग जीरा और ये डाल रही हूँ मैं अनियन, और यहाँ पे एक छोटी सी मिर्ची भी। अब इसके बाद हम थोड़ा इसे करेंगे ब्राउन होने तक, जब तक ये पूरा अच्छे से ब्राउन हो जाता है। और ये देखिए ये हो गया है ब्राउन, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो और क्या, फिर इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, हल्के हाथ से चलाएंगे जब तक ये थोड़ा अच्छे से थोड़ा। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक और धनिया। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लहसुन, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है ना सर्दी, और वैसे सर्दियों के लिए तो लहसुन बहुत ही अच्छी है। तो अब इसको क्या करेंगे अच्छे से मैश कर। बेटा भी बोल रहा है हाय गाइस, पापा भी बोलेंगे, बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। और ये देखिए कलर कितना खूबसूरत कलर आया है, एंड नाउ इट्स अ टाइम।
बस इसके बाद इसके में मसाले डालेंगे अच्छे से और इसको थोड़ा भपने देंगे। और इसके इसमें आप बॉयल आलू भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हम दो ही लोग हैं तो सफिशेंट। बस इसमें तड़ी डाल के और इसे अच्छे से पकाना है। और पे से खिदमत है अंडा कड़ी, यम्मी यम्मी। और बस सबसे पहले मैं ये कपड़े संभालूंगी। मैं देखा है ना आपको, दो दिन के कपड़े हैं ये। मैं ये नहीं कह रही आज के कपड़े हैं, ये दो दिन के कपड़े हैं। बिकॉज ये कल जैसे मैं संभालने के लिए आ रही थी, सोच रही थी मैं थोड़ा किचन में काम करके ये कपड़े संभालूंगी। उसके बाद आदि ने वो एलेक्सा को गिरा दिया। और मैंने आपको चेयर दिखाई ना, यहाँ पे रखी हुई है वाली चेयर, ये सिर्फ कपड़ों के लिए ही है ताकि कपड़े इधर उधर ना फैले, एक चेयर में रहें, टाइम मिले वो कर लूँ मैं। और आदि के लिए काटा था है ना, उसने खाया नहीं तो क्या करना है, बच्चों का बचा हुआ फेंकना कहते हैं ना, ग्रीन है वेजिटेबल है तो ऐसे ही चलता रहता है ना, बीच बीच में चलते 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 खाते रहो। और ये कपड़े संभालूंगा। और आपको जो अलमीरा दिख रही है ना, ये वाली अलमीरा, इसमें कोई और पेंट था, ये वाइट पेंट मैंने किया है खुद, पूरा वाइट पेंट, और बहुत सुंदर लगती है ये, तो वाइट पेंट किया है ना मैंने, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों का। आदि सो रखो, सोया रहता है ना, तो बस फटाफट से काम निपटवा लो वरना भी ऐसे फंसे रहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो उसको चाय मिलाना है, फिर पढ़ाना भी, उसको पढ़ाई भी करवानी है, मेन तो वो है ना, ये तो बाकी चलता रहेगा। तो देखती हूँ, प्लस कपड़े तो हो गए बहुत बड़ा होता है ना कपड़े का माला, अच्छा लगता है ना फैला हुआ, पर बच्चों के साथ होता है क्योंकि पहले बच्चे उसके बाद अन्य कार्य, उनका पढ़ाई लिखाई, उनको सही रखना, नहलाना धुलाना। और आज आदि का, आदि को मैंने नहलाना भी है शाम को, क्योंकि ना ठंडियों में मैं उसे शाम को ही नहलाती हूँ, मम्मी कहती है ठंडियों में। और पता है नुस्खा भी है सच में, वास्तव में ठंडियों में ना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें रात में ही नहलाइए, सारा काम को निपटा के मैं उसे सारा जल्दी से खाना वाना बना के फिर मैं उसे नहला भी दूंगी, और फिर उसको रजाई के अंदर आराम से बैठा के उसको खाना वाना खिला के दूध पिला के। ये तरुषी की तरुषी की वो आदि की है, तरुषी की है, बताऊंगी मैं आपको ठीक है बाद में। तो मैं ये कह रही थी कि सर्दियों में ये टिप्स है कि बच्चों को रात में नहलाएं, फॉलो करिएगा। अगर आप लेडीज जो भी सुन रही हैं एक बार ट्राई करिएगा जरूर। मेन चीज़ है कि क्या बनाया जाए। बस यहाँ पे मैंने कहा था ना, मैं आपको आदि को रात को नहलाती हूँ, और इसके बाद मैंने फिर खिली चाय की रखी है चूल्हे पे, दूध में हल्के चाय पत्ते डाल के बस इसको बिस्तर के अंदर बैठा के, और उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो जो मैंने बना रही हूँ ना आज शकरकंद की डिश, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, और आपको पसंद भी आएगी और आप बनाएंगे भी घर पर। तो बस आज का दिन भी समाप्त, तो स्टे ट्यून विद अपर्णा नेगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी हैप्पी, टेक केयर, गुड बाय।